किसान विरोधी बिल, किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ जहां देश का अन्नदाता पूर्ण तरीके से धरने पर है, ऐसे में हम आपको बता दें सिंधु बॉर्डर पर हरियाणा के किसानों ने हुंकार भरते हुए कहा कि सरकार या तो उनकी जायज मांगों को पूरा करे, नहीं तो सिंहासन खाली करे। हम आपको बता दें काफी मात्रा में जहां किसान आजकल धरने पर हैं, आए दिन रोज किसानों का बढ़ता ही जा रहा है, वही सरकार की अगर बात करें तो सरकार टस से मस नहीं हो रही है, किसानों की सुनने वाला आखिर कोई नहीं है। हम आपको बता दें सरकार द्वारा किसानों पर जहां अत्याचार किए गए, लाठी चार्ज किया गया, वही आंसू गैस व पानी की बौछारों से किसानों के ऊपर लाठियां भाजी गई। ऐसे में किसानों ने कहा है कि वे अपने हक व हकूक के लिए सिंधु बॉर्डर पर बिल्कुल सड़क पर दिन रात एक कर लगे हुए हैं, डटे हुए हैं और सरकार की कूटनीतियों के बारे में जागरूक करने के साथ साथ उनसे अपनी जायज मांग, किसान विरोधी बिल को वापिस लेने, MSP इत्यादि के खिलाफ लगातार किसानों का प्रदर्शन जारी है। हम आपको बता दें हरियाणा के विभिन्न जिलों में जहां पुलिस प्रशासन पूर्ण रूप से अलर्ट नजर आ रहा है, ऐसे में सिंधु बॉर्डर पर हरियाणा पंजाब के किसानों ने हुकार भरते हुए कहा कि आंदोलन के अंदर शामिल हुआ हूँ और पूरा दिल्ली तक पहुँच करेंगे और इस सरकार को हिलाने का।